नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको अपने चैनल पे। आज बात करेंगे ऑल न्यू यमा R15, आपको कार्बन फाइबर एडिशन आपको रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इस गाड़ी के बारे में डिटेल में रिव्यू करेंगे। इस गाड़ी में ना आपको ज़्यादातर आपको जो कॉस्मेटिक साइड और हार्डवेयर के साइड से ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलने वाली है। बाकी अगर क्या क्या कंपनी ने नया चीज़ इसमें इंट्रोड्यूस किया है, क्या क्या नया फीचर आपको मिलने वाली है, आपको ये जो आप R15 कार्बन फाइबर एडिशन है, साथ में आपको ये R15M जो दोनों के बीच में करीबन 12,000 की आपको अनोड प्राइस में डिफरेंस मिलने वाला है। तो चलिए इस गाड़ी को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इग्निशन से दिखाते हैं आपको ये की रहा, जो आपको नॉर्मल सी की मिलने वाली है, इसमें आपको कोई चेंजेस मिलने वाला है ही नहीं। जैसे गाड़ी का इग्निशन ऑन करेंगे, सबसे पहले इसका फ्रंट वाला प्रोफाइल देखिए, ऊपर से अगर देखेंगे तो फुल्ली कार्बन फाइबर, खाली यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है, पूरी आपको फेयरिंग में कार्बन फाइबर टच के साथ मिलने वाली है। पीछे के साइड पैनल पे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको कार्बन फाइबर टच के साथ आपको ये नया R15 मिलने वाली है। LED आपको हैजार्ड के साथ मिलेगा, फुल्ली DRL भी यहाँ पे आपको LED में मिलने वाला है, हेडलैम्प आपको मिलने वाला है। एक बार मैं आपको गाड़ी का इंजन स्टार्ट करता हूँ, प्रोजेक्टर वाली हेडलैम्प एक बार ऑन होने के बाद ना, फिर अगर आप इंजन बंद कर देंगे ना भाई, तब भी आपको ये हेडलैम्प जलता हुआ मिलने वाला है। देखेंगे तो बीच में आपको ये ग्लॉसी ब्लैक कलर यूज किया गया है, जस्ट इसके ऊपर यमा का एक बैजिंग भी मिलने वाली है। इस वाले पोर्शन में आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं, एडजस्टेबल आपको मिरर जो कि आपको मिलने वाला है, ये आपको इस टाइप का मिलने वाला है। और आपको नीचे की तरफ आएंगे तो आपको सेम आपको 41mm की USD फॉक मिलने वाली है। ऊपर वाला फेंडर की बात करेंगे तो ये आपको बिल्कुल फाइबर का मिलेगा, ग्लॉसी ब्लैक कलर की मिलेगी। इसके ऊपर आप यमा का एक डिकल मिलने वाला है, डुअल चैनल ABS के साथ आपको मिलने वाला है। की बात करेंगे तो 282mm की यहाँ पे आपको डिस्प्ले प्लेट मिल रहा है, LV यहाँ पे आपको ब्लू कलर की मिलेगी। 100 सेशन का आपको टायर मिलने वाला है, 180 आपको 17 इंच का ट्यूबलेस टायर, जो कि आपको MRF के साइड से बेस्ट क्वालिटी की ट्यूबलेस टायर ऑफर किया जा रहा है। साइड में आएंगे तो आपको साइड पैनल पे एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये आपको फेयरिंग बड़ा सा फेयरिंग दिया गया, फुल्ली आपको कार्बन फाइबर टच के साथ आपको मिलने वाला है। इसका आपको टच करोगे ना भाई, इसका स्मूथनेस ना बहुत ही बढ़िया किया गया। इसके ऊपर आपको क्विक शिफ्टर का एक बैजिंग भी मिलने वाली है, यमा R15M का भी एक ब्लू कलर का आपको स्टिकरिंग के साथ मिलने वाली है। नीचे की तरफ आएंगे तो आपको ये व्हाइट कलर का मिलेगा, एक बड़ा सा आपको यहाँ पे बैजिंग भी आपको देखने को मिलने वाली है। एग्जॉस्ट की बात करेंगे तो आपको ये सिंगल सिलेंडर मिलने वाली है, ऊपर आपको मफलर गार्ड ये फाइबर का मिलने वाला है। तो गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट एक बार आपको सुनाते हैं, डिस्क ब्रेक के साथ मिलने वाली है, 220mm की डिस्क प्लेट मिलना है। LV आपको सेम ब्लू कलर का मिलेगा, MRF के साइड से बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किया जा रहा है। जिसका साइज की बात करें तो 140 सेशन का मिलने वाला है भाई, 140/70 रेडियल 17 इंच का यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर मिलने वाला है। पीछे से एक बार दिखा देता हूँ, ये देखो कितनी मोटी चौड़ी टायर मिलने वाला है। ऊपर रखेंगे तो टायर हगर मिलने वाली है और इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया किया गया। पीछे से अगर देखें तो फुल्ली LED सेटअप के साथ मिलने वाला है। एक बार मैं आपको इग्निशन ऑन कर देता हूँ, साथ में हैजार्ड्स वाला बटन भी ऑन कर देता हूँ भाई, तो आपको चीज़ें का क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो हैजर्ड से यहाँ पे LED का मिलेगा। इस वाले पोर्शन में टेल लैम्प देखो कितना ब्राइटर वाली LED टेल लैम्प मिलने वाली है। नीचे का देखेंगे तो इस वाले पोर्शन में हम नंबर प्लेट लगा सकते हैं, 3 आपको रिफ्लेक्टर मिलने वाला है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे इस वाले, और इसके ऊपर आपको LED आपको नंबर प्लेट लाइट भी मिलने वाला है। फेंडर की बात करेंगे तो ये आपको फाइबर का मिलने वाला, बट इसका बिल्ड क्वालिटी मेरे को बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसके ऊपर आएंगे तो आपको साइड पैनल के ऊपर कार्बन फाइबर टच के साथ मिलेगा ब्लू, और ऊपर VVA वेरिएबल बार एक्चुएशन करके यहाँ पे एक डिकाल भी मिलने वाला है। ये आपको दांते टाइप का मिलेगा और एल्यूमिनियम फिनिशिंग के साथ मिलने वाला है। सेम आपको राइडर वाला आपको मिलने वाला, अगर ब्रेक लीवर कुछ आपको इस टाइप का मिलने वाला। इस वाले पोर्शन में आपको एल्यूमिनियम फिनिशिंग के साथ मिलने वाला, जैसे आपको पैर को थोड़ा प्रोटेक्ट भी यहाँ पे करता है। बात करते हैं सीट की, सीट यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट मिलने वाली है। अगर सीट कंफर्ट की बात करेंगे, राइडर वाला बहुत ही सॉफ्ट है और मुलायम भी कह सकते हैं। अगर साथ में पिलियन वाला देखेंगे तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट भी मिलने वाला है। इसके ऊपर आपको सीट बेल्ट मिलेगा, जस्ट इसके ऊपर R15M करके एक बैजिंग भी मिलने वाली है। सीट हाइट की बात करेंगे तो थोड़ा अपर एंड में मिलने वाला है, वो 815mm की मिलेगा। टोटल कर्व वेट की बात करेंगे तो 141kg की ये गाड़ी आपको मिलने वाली है। इसका जो मेन चेंजेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जैसे आपको डिस्प्ले ऑन करेंगे यहाँ पे 5 इंच का TFT डिस्प्ले मिलने वाला है। सबसे ऊपर आपको डिजिटल घड़ी मिलने वाली है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलने वाला है, क्विक शिफ्टर मिलने वाली है भाई, और गियर इंडिकेटर यहाँ पे मिलेगा। नीचे आपको RPM मीटर, स्पीडोमीटर मिलने वाली है। इस साइड में आपको फ्यूल वाला इंडिकेटर देखने को मिलने वाला है, न्यूट्रल वाला साइड मिलेगा, ABS का मिलने वाला है,
मेन जो आपको चेंजेस मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, ये देखो आप इसमें म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी चलाते चलाते ये देखो जब कनेक्ट कर देंगे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ, जब ब्लूटूथ कनेक्ट कर देंगे ना भाई, तो फिर आपको म्यूजिक, फिर नेविगेशन, फिर आपको सारे नोटिफिकेशन देख सकते हैं, वेदर रिपोर्ट देख सकते हैं, आपको ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाला है। अब ये क्वेश्चन आएगा कि आप बोलोगे कि आप हाईवे में गाड़ी में कौन म्यूजिक सुनता है, या कौन आपको मोबाइल का जो आपको नोटिफिकेशन कोई कॉल करता है, या फिर कौन पिक करता है। भाई जब आप सर्दी के मौसम में जब जैकेट वगैरह आप पहन के राइडिंग कर रहे होंगे ना, तो सारे चीज़ निकाल के ये थोड़ा तब आपको याद आएगा कि यहाँ पर आपको फैसिलिटी क्यों दिया गया है। इस साइड में आएंगे तो सारे बटन्स यहाँ पर मिलने वाले हैं, बिल्ट क्वालिटी बटन्स का ना बहुत ही बढ़िया किया गया। हैजर्ड्स वाला जो है ना इस साइड में मिलने वाला है, पहले आपको इस साइड में मिल रहा था, और नीचे आपको ये इंडिकेटर वाला, नीचे आपको हॉर्न वाला बटन मिलने वाला है, इसमें आपको हाई बीम लो बीम और आपको पास लाइट वाला बटन मिलने वाली है। और इस साइड में आएंगे तो आपको यहाँ चेंजेस भी मिलने वाला है, आपको इंजन फिल और पावर स्टार्ट यहाँ पे अलग किया गया पहले वाले में ना, आपको मैं वहाँ पे एक बार दिखा दूंगा। ये देखो यहाँ पे एक ना एक में मिलने वाला था, बट यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर में ये आपको चेंजेस मिलने वाला। थैंक्स टू मताली एंटरप्राइज कोलकाता की बैरकपुर जयपुरपुर रोड पे है। अगर आप कोलकाता वाले होंगे तो डेफिनेटली शोरूम को जानते होंगे, बाकी अगर नियर बाय रह रहे होंगे तो आपको ये शोरूम विजिट कर सकते हैं। बाकी पूजा के लिए यहाँ पे आपको ह्यूज ऑफर चल रहा है, जो आपको एक यमा का ब्रांड न्यू हेलमेट मिलने वाला है, जिसका प्राइस ये देख पा रहे होंगे 1199 मिलने वाला है। अनरोड प्राइस में आपको ह्यूज आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, ये बहुत स्मूथ मिलने वाला है, जो आपको ऐसे स्लीपर क्लच मिलने वाली है। और ऑयलिंग की तरफ लेके आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको यमा का लोगो मिलने वाली है, जो आप ये 3D में मिलेगा। तीन पार्ट में आपको ऑल्टिंग मिलने वाला है, साइड इसके बीच में आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर यूज किया गया है। इसका भी E20 सपोर्टेड 11 लीटर की ऑल्टिंग मिलेगा, और इसके ऊपर एक R15M करके एक छोटा सा डिकल भी आपको देखने को मिलने वाला। करते हैं इस गाड़ी का इंजन, इंजन की बात करेंगे तो 155cc के लिक्विड कूल्ड इंजन मिलने वाली है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 18.1 BHP की पावर मिलने वाली है। टॉर्क की बात करेंगे तो 14.2 न्यूटन मीटर की आपको टॉर्क मिल जाएगी। 6 स्पीड गियर मिलेगा, एक आगे 5 पीछे कर सकते हैं, साथ में आपको क्विक शिफ्टर मिलने वाला है। यहाँ पे मेन स्टैंड नहीं मिलने वाला है, ओनली आपको साइड स्टैंड मिलने वाला है। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, इस गाड़ी का प्राइसिंग क्या होने वाला है। एक शोरूम की बात करेंगे तो 2,09,200 रुपये में ये गाड़ी मिलने वाली है, और आप कोलकाता में हैं और इस गाड़ी को लेना पसंद करेंगे तो 2,49,000 तक ये गाड़ी आपको मिलने वाला है। डाउन पेमेंट की बात करेंगे तो बिल्कुल मिलने वाली है भाई, 30,000 से लेकर 40,000 देके ये गाड़ी आप ले सकते हैं। बाकी इस गाड़ी की अगर टॉप स्पीड की बात करेंगे तो 140 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये गाड़ी दौड़ सकता है। और बाकी अगर माइलेज की बात करेंगे तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ भाई, अगर आप गाड़ी को अच्छी तरह से मेंटेनेंस करेंगे, टाइम टू टाइम सर्विसिंग देंगे, तो ये गाड़ी 40 से लेकर 50 तक सिटी और हाईवे में इन एवरेज मिलने वाली। साथ में पीछे वाला सस्पेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मोनो सस्पेंशन मिलने वाला है। आप लोग को यमा R15 का कार्बन फाइबर का एडिशन कैसा लगा आपको डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी थैंक यू आप लोगों ने हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहे, बाकी थैंक यू आप लोगों ने लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया। वक्त आ चुका आप सलीदा लेने के लिए, फिर वापस आएंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, नमस्कार दोस्तों।